सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज फिर मैं आपको सुनाने के लिए एक हिंदी कथा लेकर आया हूँ। यह हिंदी कथा मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी है। इसका लेखक मैं नहीं हूँ। लेखक को अभिवादन करते हुए और धन्यवाद देते हुए यह कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी का नाम है बूढ़ा आदमी। पुराने ज़माने की यह कहानी बहुत ही दिलचस्प और बड़ी सीख देने वाली है। उस ज़माने में राजाओं का राज हुआ करता था। भिन्न भिन्न प्रकार के राजा हुआ करते थे और विभिन्न प्रकार की उनकी आदतें हुआ करती थी। एक राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने लोगों को यह कह रखा था कि अगर वो किसी की तारीफ में वाह कह दे तो उस व्यक्ति को इनाम में 1000 सोने की मोहरे दे दी जाए। हालांकि यह राजा इतनी आसानी से किसी की बातों से या काम से प्रभावित नहीं होता था, इसलिए उसके आदमियों को कभी किसी को सोने की मोहरे देने की नौबत आई ही नहीं। एक बार राजा अपने आदमियों के साथ शिकार के लिए जंगल जा रहा था। बीच सफ़र में एक बूढ़े आदमी का घर उसे दिखाई दिया। राजा ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी उम्र में 90 साल से भी ज़्यादा का लग रहा है। उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, फिर भी वह बड़ी मेहनत से एक फल देने वाला पेड़ का पौधा अपने घर के बगीचे में लगा रहा था। राजा को उस बूढ़े आदमी को ऐसा करते देख बहुत आश्चर्य हुआ। राजा का सोचना था कि बूढ़ा जो फल का पौधा लगा रहा है उसे अच्छी तरह से बड़े होकर फल देने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। बूढ़े आदमी की हालत देखकर लगता था कि वह शायद 1-2 साल और निकाल पाएगा। फिर बूढ़ा आदमी क्यों इतनी मेहनत और तकलीफ उठा रहा है? राजा अपने आदमियों के साथ उसके पास पहुंचा और उसने यही प्रश्न बूढ़े से किया तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज, यही सोच अगर मेरे दादा परदादा रखते तो आप मेरे बगीचे में इन कई पेड़ों को जो वह मेरी उम्र के थे तब लगा कर गए थे शायद यहाँ नहीं देख पाते और ना ही मुझे उनसे फल खाने के लिए मिलते, जैसे मेरे दादा परदादा ने मेरे बारे में सोचकर उन पौधों को लगाया था। मैं भी अपने बच्चे और बच्चों के बच्चों को ध्यान में रखकर इस पौधे को लगा रहा हूँ। मेरे पूर्वजों ने उनका फर्ज अदा किया था, अब मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूँ। राजा ने जैसे ही बूढ़े आदमी के विचार सुने तो उसके मुँह से वाह निकल गया। राजा के आदमियों ने राजा के मुँह से वाह शब्द सुनते ही उस बूढ़े आदमी को 1000 सोने की मोहरों की थैली इनाम के रूप में दे दी। 1000 सोने के मोहरे पाकर बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि महाराज, देखिए, आप कहते थे कि यह पौधा मुझे शायद फल नहीं दे पाएगा, लेकिन इस पौधे ने तो मुझे आज ही सोने के मोहरे के रूप में फल दे दिया। बूढ़े आदमी के सकारात्मक विचारों से प्रभावित होकर राजा ने फिर से 2 बार वाह बोला। राजा के आदमियों को तो आदेश के अनुसार हर वह शब्द के लिए 1000 सोने की मोहरे देनी थी, इसलिए उन्होंने बूढ़े आदमी को 2000 सोने की मोहरे और दे दी। फिर से इतनी सारी सोने की मोहरे पाकर बूढ़े आदमी ने खुशी से कहा कि महाराज, मैंने तो सिर्फ सुना था कि कुछ राजा दयालु और बड़े दिलवाले होते हैं, लेकिन मेरी इतनी उम्र हो गई फिर भी कभी देखा नहीं था, लेकिन आज पहली बार आपको देखा तो उस बात पर विश्वास हो गया। राजा ने उस आदमी से मुंह से अपनी तारीफ सुनकर लगातार 3 बार वाह 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 निकल गया और बूढ़े आदमी को 3000 सोने के मोहरे और मिल गई। दोस्तों,
यह कहानी जितनी मज़ेदार है उतनी ही गहरी बात सिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर काम सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं करना चाहिए। जब हम कोई काम निस्वार्थ भाव से करते हैं या दूसरों का भला करने के लिए करते हैं तो उसका फल भी हमें जरूर और जल्दी मिलता है। इसलिए दोस्तों, निस्वार्थ बनो और भलाई करते रहो। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू वाला बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले कथा कहानियों के एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर आप इस कहानी के बारे में या मेरे इस चैनल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपके बताए हुए सुझाव का इंतज़ार रहेगा और स्वागत भी। धन्यवाद।